तुम यहाँ आते हो, क्यों हमें परेशान कर रहे हो? तुम चाहते क्या, तुम्हें क्या चाहिए हमसे? कौन आया है? तुम्हारे बेटे के कातिल का बाप हर 15 दिन यहाँ पे आता है और ये नहीं जानता कि उसके यहाँ आने से हमारे घाव और ताजा हो जाते हैं। ये कभी नहीं जानता कि ये कभी चाहता भी नहीं कि हमारे घाव जो है कभी भी तो भरे। अरे तुम चाहते क्या हो, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम लोग क्यों नहीं समझते कि तुम्हारे आने से हमें हमारे बेटे की याद आती है जो कभी नहीं आएगा? बाबू, मुझे नहीं पता था कि आप अपने बेटे को भूल भी जाते हैं। मैं तो आपको सिर्फ ये याद दिलाने आता हूँ कि बेटे के दुनिया से जाने के बाद भी आपको ये जिंदगी जीनी पड़ेगी। बेटे का खो जाने का मतलब तुम जानते हो? आप चाहे मुझ पर जो भी इल्जाम लगाइए, जिंदगी ने जो खेल आपके साथ खेला है आपने उसका कारण मुझे बना दिया, कोई बात नहीं। तुम्हारा बेटा ही हमारे ट्रेजेडी का सबसे बड़ा कारण है। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, आपने अपना बेटा खो दिया, उसका दर्द सिर्फ आप जानते हैं, लेकिन मेरा दर्द यह है कि मैंने जीते जी अपने बेटे को खो दिया है, जो इस वक्त तुम्हारे बेटे के कत्ल के इल्जाम में जेल में सजा भुगत रहा है। सुदीप, इसे कहो कि यहां से चला जाए। पता नहीं कौन सी मनोज घड़ी थी कि मेरा और आपका बेटा पहली बार एक दूसरे से मिले और दोनों के साथ ये ट्रेजेडी हो गई। आपका बेटा इस वक्त दुनिया में नहीं है, कम से कम ये जिंदगी उसे वो पल याद रखने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकती, लेकिन मेरा बेटा हर दिन हर पल उस मनुष्य पल को याद करता रहता है और उसे जिंदगी भर उससे छुटकारा नहीं मिलने वाला। तो तुम ये कहने आए हो कि तुम्हारी ट्रेजेडी हमसे बड़ी है? आपकी ट्रेजेडी मेरे दुख से कहीं ज्यादा बड़ी है, मैं मानता हूं इस बात का, लेकिन मेरे बेटे की ट्रेजेडी आपके बेटे से ज्यादा है। और यकीन मानिए, मैं यहां आपको टॉर्चर करने नहीं आता, बल्कि जिंदगी ने आपको टॉर्चर करके जो दुख दिया है ना, उसे थोड़ा सा कम कर सकूं ये सोच के आता हूं यहां, ताकि शायद मुझे थोड़ी सी देर के लिए राहत मिल जाए, क्योंकि अपनी बाकी की जिंदगी में मुझे एक लंबा और थका देने वाला सफर तय करना है घोष बाबू। इसलिए जब भी यहां आता हूं, आपको और आपकी बीवी को देखता हूं, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे ये रेस्ट हाउस है जहां आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर सकता हूं। हाँ, आपने आपका रेस्ट हाउस तो तय कर लिया, हमारे लिए अपना रेस्ट हाउस कहाँ है, वो राहत कहाँ है? आप लोगों की राहत मैं और मेरा बेटा बनेंगे। हाँ घोष बाबू, मैं और मेरा बेटा, अनजाने में हमसे जो पाप हो गया ना, हम उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं हम घोष बाबू, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी बद्दुआ और आपका इल्जाम लेके मैं अगले जन्म में भी जाऊं। मैं चाहता हूं कि कम से कम अगला जन्म तो मैं सुकून के साथ गुजार सकूं। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि हो सके तो आप लोग मुझे माफ कर दें। आप लोग अगर हमें माफ कर देंगे ना, जाने के बाद मैं दरवाजा बंद करना भूल गई होंगी। नेवर माइंड, कैसी है तू? जितनी अच्छी हो सकती थी उतनी अच्छी हो। मुझे तो अच्छी नजर नहीं आती, देखो आंखों के नीचे कितना काला काला हो गया है। वो तो मैं रात को ठीक से सोई नहीं हूँ इसलिए। क्यों? पता नहीं दीदी,
सारी रात नींद नहीं आती, बस सोचती रहती हूँ। प्रिया? हाँ दीदी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ से आ रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ। जो कुछ भी हो रहा है वो सही है या गलत, जो कुछ भी मैंने किया वो सही था या गलत। मैं बहुत थक गई हूँ दीदी, I'm tired, मैं कहीं खो गई हूँ। पता है तुम्हें ऐसा क्यों हो रहा है? हालातों की वजह से। अक्सर हमारे हालात हमें इस मोड़ पर लाके खड़ा कर देते हैं जहां हम एक ऊंचाई पर खड़े हैं और हमें लगता है कि हम गिर जाएंगे, और उसे बचने के लिए हम हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं और जो भी चीज हाथ में आती है उसे थामने की कोशिश करते हैं, और फिर उसी चीज पर हमारा भरोसा उड़ जाता है। ऐसे लगता है जो चीज हमने थामी है वही उखड़ कर निकल आएगी। तुम समझ रही हो मैं क्या कर रही हूं? प्रिया, जो कुछ भी फैसले तुमने जिंदगी में किए हैं ना, उस पर यकीन करो। देखो, जो खुशियां तुम ढूंढने की कोशिश कर रही हो वो तुम्हारे कितने करीब है। तुमने दीपक से प्यार किया, उसने तुम्हें धोखा दिया, फिर तुमने नितिन का हाथ थाम लिया। नितिन पर भरोसा करो, वो तुम्हें धोखा नहीं देगा। कहना बहुत आसान है दीदी, लेकिन करना बहुत मुश्किल। नितिन मुझसे अच्छी तरह पेश आता है, लेकिन उसकी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाने की भी तो हद होती है दीदी। नितिन को आजमा कर देखो प्रिया, वो तुमसे प्यार करता है, वरना कोई भी आदमी सिर्फ दोस्ती की खातिर किसी से शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। उसे मेरी फिक्र है दीदी, बस इतना ही। लेकिन प्रिया दीदी, जिन हदों की मैं बात कर रही हूँ ना, वो हदें भी मैंने ही तय की है। मैं नितिन के साथ ईमानदार नहीं रह सकती, तो जितना फायदा मैं उससे उठा चुकी हूँ उससे ज्यादा फायदा उठाने की सोच भी तो नहीं सकती। मैं दीपक से बहुत प्यार करती हूँ दीदी, बस सारे वक्त उसी के बारे में सोचती रहती हूँ, वो कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। और अब किसी दूसरे आदमी के साथ जिंदगी की खुशियां ढूंढने की कैसे सोच सकती हूँ। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि जिंदगी में हमेशा तुम्हें शांति और सुकून मिले। उसके लिए तो भगवान से प्रार्थना ही की जा सकती है ना दीदी, शांति और सुकून खुद तो नहीं ढूंढा जा सकता। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, न जाने कौन सी वजह है लेकिन रवि का गुस्सा ठंडा हो गया है, अब सब कुछ ठीक ठाक है। जिंदगी भी कितनी अजीब है ना हमारे लिए दीदी, एक ही आदमी के आसपास घूमती रहती है। वो खुश होता है तो हम खुश होते हैं, वो दुखी होता है तो हम दुखी होते हैं, वो गुस्सा होता है तो हम डर जाते हैं। जिस आदमी से हम इतना प्यार करते हैं उसे खो देने का डर हमेशा हमें क्यों सताता रहता है? प्रिया, हमारी जैसी औरतों के लिए प्यार एक खूबसूरत जज्बा होता है। हम जिस आदमी से प्यार करते हैं ना, उसे हम अपना सब कुछ दे देते हैं, उसके लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं, और हमें डर लगता है अगर वो आदमी हमसे दूर हो जाए तो हमारे पास अपना कहने के लिए कुछ भी नहीं रहता। दरअसल जिन औरतों के दिल से आदमी के खो देने का खौफ मिट जाता है ना, वही जिंदगी में खुश रहती है। मैंने छोड़ दिया दीदी, फिर भी उसे खो देने का डर हमेशा मेरे मन में रहता है। कभी ऐसा दिन आ गया कि मैं फोन करके उसे बात नहीं कर पाऊं तो मैं मर जाऊंगी, मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। मैं उससे नफरत करती हूं फिर भी उसके बगैर नहीं रह सकती। शेखर, तुमसे कोई मिलने आया है। इतनी सुबह सुबह मिलने आने वाला तो कभी भी आ सकता है, उसका कोई वक्त नहीं होता। लेकिन है कौन? आइए सर।
आपस में बातें कीजिए, मैं चलता हूं। जिस लड़के को मैंने मारा था उसके पिता। हेलो। हाय, प्लीज प्लीज कम इन। जब आपने मुझे फोन करके कहा कि आप यहाँ आ रही थी तो आई वॉज रियली सरप्राइज। अभी मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ आ गई हैं। तुम तो जान गए होंगे ना मैं यहाँ क्यों आई हूँ। वेल नॉट रियली। Have a seat. Thank you. क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? नहीं, नथिंग थैंक यू। नितिन, तुमने प्रिया से शादी क्यों की? मैंने प्रिया से शादी क्यों की? बहुत मुश्किल सवाल है ये। मैंने प्रिया से शादी क्यों की? दरअसल मेरे अंदर से आवाज आ रही थी कि मुझे प्रिया से शादी कर लेनी चाहिए, पर मैंने शादी कर ली। मैं ये बात अच्छी तरह जानता था कि प्रिया बिखर रही है। जिन ईंटों से उसने अपनी दुनिया बनाई थी वो दुनिया टूट रही थी, क्योंकि वो ईंटें आपस में जायज तरीके से जुड़ी हुई नहीं थी, उनमें एक नाजायज रिश्ता था। लेकिन इस दुनिया में जज्बाती तौर पर परेशान लड़कियां बहुत सारी हैं, तो तुमने प्रिया को क्यों चूज किया? मैं उन बहुत सारी लड़कियों को नहीं जानता, मैं सिर्फ प्रिया को जानता हूं दीदी। प्रिया मेरी दोस्त है, मुझे उसकी फिक्र है। लेकिन अगर प्रिया जैसी कोई और लड़की तुम्हारी जिंदगी में आए तो क्या तुम ऐसा ही करोगे? अगर बात सिर्फ उसकी मदद करने की है तो हाँ बिल्कुल। अगर बात सिर्फ उसकी परवाह करने की है, एंड यस डेफिनेटली व्हाई नॉट। और शादी? शादी हरगिज नहीं। क्यों? मेरी प्रिया से शादी हो चुकी है और मैं एक से ज्यादा शादी में यकीन नहीं रखता। और रिश्ता? मैं ऐसा कोई रिश्ता नहीं कायम करूंगा जिससे मेरी प्रिया को तकलीफ पहुंचे। प्रिया का मेरी जिंदगी में एक बहुत अहम मुकाम है और वो मुकाम मैं किसी और को नहीं दूंगा। उस पर सिर्फ प्रिया का हक है। देखिए, हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं और हम अपनी दोस्ती की कद्र करते हैं। लेकिन नितिन, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की आ जाए जिससे तुम प्यार करने लगो, तब तुम क्या करोगे? देखिए, फिलहाल मेरे और प्रिया के बीच में दोस्ती के अलावा और कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन हो सकता है कि ये रिश्ता आगे बढ़े और प्यार में डेवलप हो जाए। तो जब इंसान किसी से प्यार करता है तो उसे पाना चाहता है, तो शादी तो मेरी प्रिया से ऑलरेडी हो चुकी है। और फर्ज करते हैं कि अगर ये रिश्ता वहीं के वहीं रह जाता है और मेरी जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आती है जिससे मैं प्यार करता हूं, तब मैं प्रिया से बात करूंगा और ये फैसला उसके हाथों में छोड़ दूंगा। उसने तुम्हें छोड़ दिया तो? उस वक्त मैं प्रिया का साथ दूंगा दीदी। क्यों? क्योंकि मैं उससे कमिटेड हूं, प्रिया का मुझ पर ज्यादा हक है। भले ही उस फैसले से तुम्हें दुख पहुंचे, तुम्हारे सपने चकनाचूर हो जाए तो भी? देखिए दीदी, इंसान को दुनिया में सब कुछ तो नहीं मिल जाता है,
कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर मेरे ख्वाब मेरे उसूलों या मेरे वादों के आड़े आएंगे तो मैं अपने उसूलों का साथ दूंगा, क्योंकि जिंदगी ने मुझे एक बात सिखाई है, आदमी अपने ख्वाब से उठकर बैठ तो सकता है लेकिन अपने उसूलों से मुंह मोड़कर सो नहीं सकता। दीदी, ये सवाल जो आप मुझसे पूछ रही है ना, ये तमाम सवाल मैं अपने आप से बहुत पहले पूछ चुका हूं। मैंने होश हवास में शादी की प्रिया से, और शादी करने से पहले इन तमाम सवालों का जवाब मैं खुद को दे चुका हूं। दीदी, लेकिन मुझे प्रिया की बहुत फिक्र लगी रहती है, डर लगता है मुझे उसके बारे में सोचकर। जाहिर सी बात है, तभी तो आप यहां आई हैं। बहुत अकेली है। अभी वो अकेली नहीं है दीदी। हाँ, लेकिन नितिन, क्या आप जानती हैं दीदी, जब मैंने प्रिया से शादी करने का फैसला किया तब मुझे कैसा लगा था? कैसा? मुझे लग रहा था कि चारों तरफ आग फैली हुई है, एक भयानक आग, और उस आग के बीच एक बच्ची फंसी है, छोटी सी बच्ची जो मुझे मदद के लिए पुकार रही है। मेरे सामने उस वक्त दो रास्ते थे, या तो मैं चुपचाप वहां से चला जाता या उस आग में कूद कर उस बच्ची को बचा लेता। और मैं उस आग में कूद पड़ा थी और उस बच्ची तक के पहुंच गया मैं। लेकिन क्या तुम उस आग के लपटों से निकलकर उस बच्ची को लेकर बाहर निकल आए? नहीं, अभी तक तो नहीं दीदी, लेकिन आई प्रॉमिस यू मैं जरूर बाहर निकल आऊंगा, चाहे वो आग के लपटे कितनी भी तेज हो। जी हाँ, चाहे वो आग की लपटे कितनी ही तेज हो, क्योंकि मैं जीना चाहता हूं दीदी, मैं जीना चाहता हूं और उस बच्ची को भी जिंदा रखना चाहता हूं। अब उस बच्ची को जिंदा रखना मेरी जिंदगी का एक अहम मकसद बन गया है। नितिन, तुमसे बात करकर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत तसल्ली हुई मुझे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम दीदी। आई टेक योर लीव नाउ। द्वार मुझे पुकार रहे हैं रितिका। लेकिन थ्रिल का क्रिएटिव कैंपेन, डिंपल नेटवर्क का प्रपोजल और जतिन रैना के साथ मीटिंग का क्या होगा? आज की तारीख में मेरे घर के आगे मुझे कुछ नजर नहीं आता। जब से प्रीति और मैं फिर से एक साथ हैं, हम खुश हैं। सच पूछो मुझे घर छोड़ने का जी नहीं करता। ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ आता हूँ, सारा दिन तुम्हारे साथ रहता हूँ। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आज मेरी जिंदगी में तुम जयप्रसाद हो गई हो। मुझे लगता है मैं हमेशा तुम्हारे पीछे ही खड़ा रहूं। क्या? हाँ, जितना कॉन्फिडेंट मैं जयप्रसाद के साथ काम करके नहीं था, जब से तुम मेरी पार्टनर बनी हो उसे कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूं मैं। आप सचमुच पागल हो गए। हाँ, वो तो मैं हूं पागल, बिल्कुल पागल, लेकिन एक भरोसेमंद पागल। प्रीतिका, कभी ख्वाबों में भी मत सोचना कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा। दुनिया में तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, तुम्हें सिर्फ काम करना होगा, डट के मेहनत करनी होगी। चलो मैं चलता हूं, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी, अच्छा खाना बनाया होगा, मैं चाहता हूं कि वो अपने हाथों से मुझे खाना खिलाए। ओके, बाय बाय। ओ रितिका, तुम चाहो तो मैं एक डब्बे में कुछ खाना पैक करके ले आऊं, कल तुम्हारे लिए लंच पे काम आ जाएगा। क्यों नहीं, लेकिन कुछ बचेगा तो ना? आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा खाना आप ही खा जाएंगे, कुछ बचाएंगे ही नहीं। हाँ, वो भी हो सकता है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। बाली, जल्दी से काम खत्म करो और चलते हैं फिर डिनर के। आज मैं घर जाऊंगी। क्यों? हरीश, कल जो कुछ भी हुआ ठीक नहीं हुआ। आज अगर मैं तुम्हारे साथ बाहर गई तो मैं फिर से घर देर से पहुंचूंगी, फिर तुम मुझे छोड़ने आओगे, कोई ना कोई देख लेगा और पापा नाराज हो जाएंगे।
तुम्हारे पापा भी अजीब इंसान है, खुद तो कुछ करते नहीं है, बस दूसरों के नुक्स निकालते रहते हैं। हरीश, मेरे पापा ने अपनी खुद की आर एजेंसी शुरू की है, तुम मेरे पापा के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। अभी आर एजेंसी खोली है ना उन्होंने, चलाई तो नहीं, जब चला लेंगे तो देखेंगे। जब उन्होंने शुरू की है इसका मतलब वो चलेगी। बोली कहना आसान होता है मगर करना है मुश्किल। मेहनत लगती है एजेंसी चलाने में, उठा पटक करनी पड़ती है, जिसके लिए तुम्हारे पापा फिट नहीं है। बहुत ही सीधे इंसान है तुम्हारे पापा, कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो इस दुनिया के लिए फिट नहीं है। हरीश, तुम मेरे पापा की बुराई करना बंद करोगे? रूपाली, मैं तुम्हारे पापा की बुराई नहीं कर रहा हूँ, और क्यों करूंगा मैं उनकी बुराई। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उनकी ये जो थ्योरी है ना कि वक्त के बहाव के साथ बहो, ये बहुत ही साधुनुमा थ्योरी है, आज की डेट में आपकी कभी नहीं है। तो आज के डेट में कौन सी थ्योरी चलती है? डेविल्स थ्योरी। डेविल्स थ्योरी इज द मोस्ट सूटेबल थ्योरी फॉर टुडेज़ वर्ल्ड। अच्छा बहुत हो गया, बहुत बातें हो गई, अब इस डेविल को, मेरा मतलब है इस दोस्त को कुछ खाना भी खिला दो। आज ये डेविल भूखा ही रहेगा। अच्छा ये बात है, तो ठीक है आज ये डेविल भूखा ही रहेगा। मैं तुमसे प्यार जो किया है। क्या कहा तुमने? मेरी जुबान कुछ ज्यादा ही फिसलने लगी है आजकल, सॉरी। तुमसे दोस्ती की, अगर एक दोस्त दूसरे दोस्त को भूखा रखना चाहता है तो ठीक है, भूखा रह लेंगे। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई, अगर घर देर से जाती हूँ तो पापा के नाराज होने का डर है, और तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी तो तुम्हें भूखा रहना होगा, जो मुझे मंजूर नहीं। सच? मेरा भूखा रहना तुम्हें वाकई मंजूर नहीं? मुझे वाकई मंजूर नहीं। तो ठीक है, इस कश्मकश से तुम्हें आजाद किया, तुम्हारे लिए ये हुक्म है कि तुम सीधा घर जाओ अपने पापा के पास, और हम चलते हैं। गुड बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलते हैं। यस।